पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है, उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है, कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कुल मालिक सर्वसृष्टि रचनहार कबीर देव जी की असीम कृपा से आप जी को सत्संग में आने का, ये सत्संग सुनने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। परमेश्वर की असीम कृपा जिन पुण्य आत्माओं पर होती है उन्हीं को ये कुछ समय परमात्मा की महिमा सुनने का प्राप्त होता है। परमेश्वर के सत्संग में आने से तत्व ज्ञान से हमें पता लगता है कि ये मानुष जीवन किस लिए हमें प्राप्त हुआ था। जब तक हम सत्संग श्रवण नहीं करते तब तक हम अपनी उन्हीं क्रियाओं को जो हम पहले करते और कराते रहे हैं, देखते रहे हैं संसार में, उन्हीं को अंतिम मान चुके थे। सत्संग में आने से हमें पता चलता है कि हमने जो क्रियाएं हम कर रहे हैं इसके साथ साथ एक और आवश्यक कार्य करना था जिसको हम नहीं कर पाए। यदि हम कर भी रहे थे तो वो गलत कर रहे थे। सतगुरु के दरबार में जाइयो बारंबार, भूली वस्तु याद दिलावे वो सतगुरु है दातार। परमात्मा के दरबार में कहते हैं बार बार जाइए और उस जिस वस्तु को तुम भूल चुके हो उसकी याद दिलाते हैं परमात्मा। फिर क्या याद दिला जाता है? राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कदे तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी का। मानुष जन्म पाए कर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवायो क्या काम। राम रटत कन्या भली साकट बलो नपूत, छेरी के गल में गल थना जिसमें दूध ना मूत। राम रटत दारिद्र भलो टूटी घर की छान, वो कंचन मैल किस काम के जा भक्ति नहीं भगवान। राम रटत कोढ़ी भलो चू चू पड़े जो चाम, वो सुंदर शरीर किस काम का जिस मुख ना ही नाम। कबीर जिव्या तो वाए भली जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट फेंक दियो ये मुख में बलो ना चाम। परमात्मा स्वयं यहां आते हैं, सतलोक से चल कर आते हैं। वो कबीर परमेश्वर, वो पूर्ण ब्रह्म सर्वसृष्टि रचनहार अपने उस पवित्र धाम को, सर्व सुखमय प्लेस स्थान को छोड़कर, उस अमर स्थान को छोड़कर यहाँ आते हैं, क्योंकि हम उस कबीर परमेश्वर के बच्चे हैं। आज चाहे हिंदू है कोई, चाहे मुसलमान है, चाहे कोई सिख या ईसाई या पशु पक्षी की योनियों में दुखी है, ये सभी आत्माएं कबीर परमेश्वर जी की हैं।
अपनों का दुख अपने को ही होता है। पुण्यात्माओं, हम यही सुनते हैं कि परमात्मा दयालु है और यहां कोई भी दया नाम की वस्तु हमें नजर नहीं आ रही। हम बाहर खड़े हैं खेतों में, आसमान से एकदम ओले गिरने शुरू हो जाते हैं और फोड़ दे टाइटने पट्टाए पट कितना लागो कितना, कोई मरो कोई पीरो, कोई भाग भूक जान की तो बचा ले अपनी वृक्ष के नीचे आड़ लेकर, दूसरी बात है। भूकंप आ जाता है, कहीं खाना बना रहे हैं एकदम ऐसी तूफान आ जाता है, वर्षा आ जाती है, तो इसके लिए हमने अपने आप दिमाग दिया प्रभु ने इन प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए, ये झोंपड़ियां बनानी शुरू की। धीरे धीरे फिर ये पक्के मकान बनाने लग गए। पुण्यात्मा, किसी का हाथ कटा, किसी की टांग कट रही, कोई अंधा हो रहा, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, स्वयं को तकलीफ है, कितने कष्ट इस प्राणी पर, कोई गधा कोई कुत्ता कोई सूअर किसी के, और उन योनियों में भी, उन प्राणियों के शरीरों में भी भयंकर आपदाएं। इनको देखकर क्या हम कह सकते हैं परमात्मा दयालु है? लेकिन परमात्मा के गुणों में लिखा है कि वो दयालु है। लेकिन हम जिस लोक में रह रहे हैं, जिसको हम भगवान मान रहे हैं, जो हमारा कंट्रोलर बन गया यहां इस गंदे लोक में हमें फंसा के, ये दयालु नहीं है, ये भगवान ही नहीं है, ये तो काल है। इसको ब्रह्म बोलने लगे, ब्रह्म, क्योंकि जो जहां जिससे बड़ा है, जैसे ये 21 ब्रह्मांड में प्रभु है, स्वामी है, इसलिए ब्रह्म कहने लगे। ब्रह्म का अर्थ भी बड़ा होता है, लेकिन ये 21 ब्रह्मांड में ही ब्रह्म है, इसलिए इसको ज्योति निरंजन काल भी कहा जाता है। तो ये काल है, इस काल के लोक में हम फंस गए अपनी नालायक की तरह, और अब हम इतने दुखी हो गए कि हम सुख की तलाश करने लगे, और जिन तरीकों से हमें सुख प्राप्ति का विधि बताया गया, परमात्मा पाने का तरीका बताया गया, वो गलत बता दिया। हम उन उपायों को करने लगे, हम उन सभी साधनाओं को करने लगे सुख प्राप्ति के लिए, लेकिन उन लोक वेद के द्वारा बताए गए जो साधना थी, वो हमें काल के जाल में फंसाए रखने के लिए ही सुनियोजित षड्यंत्र इस काल भगवान का है। इसलिए परमेश्वर ने यहां आना पड़ा, और परमेश्वर ने आकर के हमें बताया कि जो साधनाएं तुम करते हो ये गलत है। वो कौन कौन सी साधनाएं जो हम गलत किया करते थे, उसके विषय में परमेश्वर ने आकर बताया। कल दिल के सत्संग में आपको बताया गया था कि परमात्मा कैसी लीलाएं करते हैं, परमेश्वर की पहचान हम कैसे करें, वो सब जानकारी दी गई थी। क्योंकि हम जिन सदग्रंथों को सत्य मानते हैं, हमने आज भी उन्हीं सदग्रंथों के सहयोग से प्रभु को पहचानना होगा। तो कल आपको भगवान की पहचान बताई थी कि वेदों में ऐसा बताया है कि वो परमात्मा जब यहां आता है वो ऐसी लीलाएं किया करता है। तो वो लीलाएं केवल मात्र कबीर परमेश्वर जी ने ही की हैं। हमें वेदों का ज्ञान इस दास को अभी हुआ, जबकि परमेश्वर की महिमा बहुत पहले लिखी हुई थी और ये दास पहले सुनाता भी था। जो साधनाएं हम किया करते थे वो गलत थी, क्योंकि वो लोक वेद था, वेदों और गीता जी के विपरीत साधनाएं थी। आज हमने उन्हीं सदग्रंथों से देखकर अपनी साधना, अपना वे ऑफ वर्शिप, अपना भक्ति मार्ग चेंज करना है, उसको
बदलना है। हम मान लीजिए हमने यहाँ से जाना है दिल्ली हिसार से बरवाला से, और हम जा रहे हैं विपरीत दिशा को बठिंडा सिरसा साइड में, तो रास्ते में हमें पता चल जाता है कि हम दिशा गलत पकड़ चुके हैं, ये हमारा मार्ग दिल्ली जाने वाला नहीं है। तो बुद्धिमान व्यक्ति ने तुरंत वापस हो लेना चाहिए, चाहे वो कितनी दूर पहुंच गया, क्योंकि वो विपरीत दिशा है, जितना आगे चलेगा उतना दूर ही होगा। ठीक इसी प्रकार अब क्या होता है कि जो पुण्य आत्माएं हैं दूसरे पंथों में 20-20, 30-30 वर्षों से फंसी हुई हैं, अब वो क्या कहते हैं कि अब हमारे इस 20 वर्ष की साधना का क्या होगा, अब इसको हम कैसे छोड़ें, हम कैसे त्यागें। तो उनको समझाया जाता है कि बोले आदमी, आपको जाना है दिल्ली, आप चले हिसार से और पहुंच गए सिरसा। रब्बी कह रहा है कि मैं इतनी दूर आ गया, 90 किलोमीटर 92 किलोमीटर, अब मेरा क्या होगा इस सफर का, ये तो गलत सफर कर लिया तूने, और आगे बढ़ेगा तो और गलत ही है, तुरंत मुड़ जा, कुछ बाट बेड़ी होगी, कुछ निकट पंथ आवेगा। तो बुद्धिमान तो चाहिए कि तुरंत बदलेगा, और जिसने बिल्कुल बुंदू है भक्ति मार्ग का, जिसने ज्ञान ही नहीं है, वही कह सकता है कि मैंने 10 वर्ष वहाँ खो दिए, 20 वर्ष वहाँ खो दिए, 50 वर्ष वहाँ खो दिए, अब क्या होगा, वो तो छोड़ना पड़ेगा, मुड़ना पड़ेगा अपनी सत्य दिशा की तरफ। आज छोड़ लेते और 10 किलोमीटर ज़्यादा जाके और दुख पा लिए। तो इस प्रकार हमने सत साधना करनी ही पड़ेगी। आप जी को कई बार बताया है कि गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 31 तक ये बताया गया है कि कोई साधना ऐसे करता है, कोई तो देवताओं की पूजा करता है, कोई तीक्ष्ण व्रत रखता है, कोई अहिंसावादी ही बना हुआ है, कोई योग अभ्यास करके ही साधना मानता है, कोई स्वाध्याय ही करता रहता है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि इस प्रकार की जो साधनाएं तुम कर रहे हो, इनकी जानकारी बहुत साधनाएं भक्ति, भगवान की भक्ति के विशेष में विषय में बहुत विस्तृत जानकारी गीता जी अध्याय नंबर 4 के 32 में बताया गया कि इस प्रकार की विशेष जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कही गई है। तो उसको उनको समझ, वो कर्मों से कर्मजान में जो क्रियाएं करने से, शारीरिक क्रियाएं करने से संपन्न होती हैं, हठ योग या एक स्थान पर बैठकर नहीं, कर्म त्यागी बनने से नहीं, वो कर्म करते रहने से, अपना कर्म योगी बनकर दैनिक कार्यां करते करते करने से सफल होती हैं, और उनके करने से फिर पूर्ण मोक्ष प्राप्त होता है। यहाँ अनुवादकर्ताओं ने, गीता जी का अनुवादकर्ताओं ने थोड़ी सी गड़बड़ी की हुई है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में लिखा है कि ब्रह्मणे मुखे, तो इन अन्य अनुवादकर्ताओं ने ब्रह्मणे मुखे का अर्थ कर दिया वेद की वाणी, ब्रह्मणे का अर्थ कर दिया वेद, ये गलत किया है। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में यही अनुवादकर्ता इसी ब्रह्मणे का अर्थ ठीक किया है, ब्रह्मणे का अर्थ किया है सच्चिदानंद घन ब्रह्म। सच्चिदानंद घन ब्रह्म अर्थात परम अक्षर ब्रह्म, पूर्ण परमात्मा, वो सही है। तो यहाँ हम यही अर्थ करेंगे, ब्रह्मणे मुखे का अर्थ है सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी पूर्ण परमात्मा के मुखारविंद से उच्चारित उस वाणी में। मुखे शब्द इसीलिए लिखा गया है, वो परमात्मा ने स्वयं आकर बोली है, वो यथार्थ ज्ञान, तो उनके मुख से उच्चारित उस ज्ञान में सुनो। और वही ज्ञान परमेश्वर ने अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास साहेब जी को, छुरानी वाले को दिया, वही वाणी उनको सुनाई।
फिर गरीबदास जी ने फिर आगे उनको लिपिबद्ध किया। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि उस ज्ञान को, उस तत्व ज्ञान को जो सच्चिदानंद गण ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कहा गया है, तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। तो उस वाणी में क्या बताया गया है कि वहां विस्तार से कहा जाता है, बताई जाती है कि ये साधना करनी चाहिए, ये नहीं करनी चाहिए। क्या बताते हैं? सट दर्शन सट भेख कहावें, बहुविध दून दून दार मचावें, तीर्थ व्रत करें तर बीता, वेद पुराण पढ़त हैं गीता, यो भी वैदा है वैदे से भेद अलैदा, यो भी वैदा। वैदा मीन व्यर्थ, यूजलेस, व्यर्थ प्रयत्न, इसको वैदा बोलते हैं। क्या बताता? सट दर्शन सब भेख का, सट भेष कहावें, सट दर्शनी यानी छह प्रकार के ये छह भेष यानी पंथ बने हुए हैं, और इनकी साधना देखे तो आदमी कुर्बान हो जाए। धूं बड़ी प्रकार बहुविध धूं धार मचावें, तीर्थ व्रत करें तरबीता, और वेद पुराण पढ़त हैं गीता। अब आप देखते हो कि बहुत से तपस्वी तपस्या करते हैं, जेठ के महीने में, जून के महीने में, और पांच चारों तरफ धुने लगा लेते हैं, अग्नि प्रज्वलित करा लेते हैं, और उनके बीच में जून के महीने में तो वैसे इंसान बाहर नहीं खड़ा हो सकता, विशेषकर राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश आदि नक्षत्रों, मध्य प्रदेश, और इन में फिर कोई ऐसा बैठकर बैठा हो बाहर धोने लगा के अग्नि जला के, तो हम तेने सोचा भाई तो भगवान ऐसे मिलेगा, अरियो तो परमात्मा अवश्य पाओगा। नहीं, अब कोई काठ के गणते हैं, काठ का ले रखा घण, घण होता है कि एक तो होता कुआड़ी, कवाड़िया होता है पहना हथियार, जैसे वृक्ष काटने का, लकड़ी काटने का होता है, उसके स्थान पर कोई घन ले ले लोहे का या काठ का, और उसने ऐसे ठोकन लाग रहा हो तो गणते वृक्ष नहीं कटे, वो तो पैनी कवाड़ी तक कटे। तो ऐसे ही जो गलत साधनाएं हम कर रहे हैं, वो चाहे कितनी ही अच्छी और कठिन हम करते हैं, उसे भगवान नहीं मिल सकता। इनका ये अर्थ है वैदा, वैदा माने व्यर्थ। सट दर्शन सट भेख कहावें, बहुविध दूं दूं धार मचावें, तीर्थ व्रत करें तरबीता, वेद पुराण पढ़त है गीता। अब पुण्यात्माओं, वेद भी पढ़ा करते ये, कोई चतुर्वेदी चारों वेदों ने घोट रहा था, कोई द्विवेदी दो वेदों ने घोट रहा था, कोई त्रिवेदी तीनों वेदों को कंठस्थ याद किए फिर था, और इनको कह कह का नहीं पता वेद क्या बताते हैं, तो क्या फायदा उस पढ़ने का। गीता जी का एक बुढ़िया मिली 70-80 साल की सदा से, और वो नो कह जी मैं गीता जी के दूसरे अध्याय का पाठ करा को, और दूसरे अध्याय में जो 70-72 श्लोक हैं और संस्कृत में घोट रीवा, और अर्थ पूछा है, अर्थ का तो बेरा नहीं भाई मन, मां फिर क्या फायदा इसके पढ़ने का। मन बताया था किसी ने कि इसका पाठ कर लेते हैं ऐसा ऐसा लाभ हो जाता है। तो यहाँ क्या बताते हैं, और तीर्थ, इन तीर्था पर जावन आने के लिए पुण्यात्माओं हमारे को कति मूर्ख बना रखा था नकली संतों ने, कि इस काल से प्रेरित होकर के हम उसे डले डोवा रखे थे। इन तीर्थों के बारे में ब्रह्म पुराण में लिखा है, और उसमें फिर ये भी लिखा है कि सबसे बड़ा तीर्थ, इन तीर्थों के नहाने से चाहे गंगा में भी नहा लो, तन का मैल तो मिट सके है, अगर पानी साफ हुआ तो, जल स्वच्छ हुआ तो,
अन्यथा कोई लाभ नहीं। खुद लिखता विष्णु पुराण में भी ऐसा लिखा, और उसमें बताया कि एक शुद्ध चित्त तीर्थ है, शुद्ध चित्त तीर्थ, उसमें जाने से जीव को कल्याण होगा, जीव का उसमें नहाना चाहिए। वो शुद्ध चित्त तीर्थ कौन सा बताया, फिर डिफाइन किया उसको कि परम तत्वदर्शी संत के द्वारा दिया गया जो सत्संग रूपी सरोवर है उसमें नहाओ जाके, उससे चित्त शुद्ध होगा, और चित्त शुद्ध होगा तो कल्याण का मार्ग भी प्राप्त होगा। तो क्या बताते हैं, तीर्थ व्रत करें तरबीता, वेद पुराण पढ़ते हैं गीता, ये भी वैदा है वैदे से भेद अलैदा, यो भी वैदा, चार संप्रदा बावन द्वारे, जिनो नहीं निज नाम बिचारे, माला घाल हुए हैं मुक्ता, सटदल उआ बाई बकदा। हाय हाय, हे भगवान कितनी सॉलिड ऑथेंटिक बात है परमात्मा की। चार संप्रदा बावन द्वारे, जिनो नहीं निज नाम बिचारे, चार संप्रदाय बनी हुई संतों की, और इन कहते इनको भी यथार्थ नाम का पता नहीं, कोई कुछ नाम जाप कर रहा है, कोई कुछ नाम जाप कर रहा है। फिर क्या बताते हैं, माला गाल हुए हैं मुक्ता, सटदल उवा बाई बकदा, एक कंठी माला पहन के गले में, कोई कंठी पैर ले एक मणि तुलसी के मनिए की, कोई वैसे तीन चार मालाएं गाल लेता है, क्योंकि पहले क्या होता था, ये मालाएं जो गले में डालने लग गए इसका कोई और उद्देश्य था। सभी वर्ण भक्ति किया करते थे और माला का जाप करते थे, दैनिक कार्य करते तो माला गले में टांग लिया करते, जेब जाब ना होया करती, पहले एक धोती बांध लिया करते, एक चादर लपेट लेते थे, बस जेब ना होती थी। तो जब माला को गले में डाल लिया करते थे, काम से फुर्सत हुआ निकाल ली माला, अपना सिमरन करते थे, जैसा भी उनको पता ज्ञान था भक्ति का। तो जो माला गले में रखते थे उनके विचार भी अच्छे होते थे, उनका स्वभाव भी अच्छा होता था। तो जो जन साधारण भक्ति नहीं करते थे वो उनको बहुत सत्कार करते थे, उनको आदर देते थे, भोजन खिलाते थे, उनको दीक्षिणा देते थे। तो फिर इन स्वार्थियों ने यो काम बिगाड़ लिया, माला गाल के आंडन लागे भक्ति करते नहीं, तो श्रद्धालु लोग उनको साधु संत भक्त मान कर उनकी सेवा करने लग गए, दूने पाप के भागी हो गए। फिर ये परंपरा बन गई कि जो माला गले में रखता वो बहुत अच्छी आत्मा है और संत है, उसकी सेवा करनी चाहिए, उसे लाभ मिलता है। फिर ऐसी बात, ऐसा बिगड़ गया सांग के कोई दो माला डालने लग गया, कोई तीन डाल ले, तो ऐसी ज्ञानहीन जनता होगी जो घड़ी माला डाल रहा हो उसने और बड़ा भगत मानने लग गए, ऐसे बात बिगड़ गई। क्या बताते हैं, माला घाल हुए, माला घाल यानी गले में माला डाल के और मुक्त होए फिरे हैं, अपने आप ने मुक्त मान रहे हैं नालायक, माला घाल हुए हैं मुक्ता, सटदल उवा बाई बकदा। ओए होए होए, अपने आत्मा ये दास ये कह रहा परमात्मा की वाणी में ये प्रसंग आ गया कि जितने भी सट दर्शनी गिरी पुरी नाथ वैष्णो नागा ये सारे ऊट पटांग ज्ञान बकते हैं, इनको कोई ज्ञान नहीं है, वेदों का ज्ञान नहीं है। तो इस बात को जो प्रथम बार सुनता है बगैर किसी प्रमाण के, तो उस पुण्यात्मा को एकदम धक्का लगता है कि ये संत रामपाल तो जो है ना सबकी आलोचना करता है। और पुण्यात्मा यही बिजली गिरी हुई है कि दास कब बतावे सच्ची और बोली जनता माने आलोचना, इसके लिए रह रहकर प्रमाण दिखाए पड़ते हैं, दिखाए जाते हैं। और पुण्यात्मा भक्ति में भक्ति करना कोई बड़ी बात नहीं है, जब पूरे मानव समाज को ये बात समझ में आ जाए कि जो साधना हम करें सत्य है, जो ज्ञान हमें प्राप्त है वो सत्य है, फिर तो बात खत्म हो जाएगी।
सुबह शाम अपना भक्ति करे, वो डगमग ना होगा किसी का डिगाया। सबसे बड़ी बात ये होती है, हम अपने घर को जा रहे हैं और हमें मार्ग सही मिल गया और पूरा दृढ़ निश्चय हो गया कि हम जिस मार्ग पर जा रहे हैं ये हमारे घर को जाता है, तो फिर हम डगमग नहीं होंगे। कोई बीच में हमें भ्रमित करना चाहेगा, हम नहीं मानेंगे, तो हम घर पहुंच जाएंगे धीरे धीरे। कोई पैदल चल रहा है, कोई दौड़ कर चल रहा है, कोई गाड़ी में, कोई साइकिल पर, कोई मोटरसाइकिल पर, यानी जाएंगे घर पर ही, क्योंकि उनका मार्ग ठीक है। तो ये मार्ग से विचलित ना हो जाएं आप, और जिस मार्ग पर दास आपको लगाना चाहता है उसको आप समझ सकें कि ये मार्ग सही है, फिर आप उस पर चल पड़े। इसलिए ये प्रयत्न किया जा रहा है, क्योंकि इन अज्ञानियों ने इतना डंगा डाल दिया, अब इसको सुलझाया जाएगा। परमेश्वर कहते हैं, नोमन सूत उलझिया ऋषि रहे झख मारे, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे भाई उलझे ना दूजी बार। सतगुरु यानी तत्वदर्शी संत इसको ऐसा सुलझा देगा, इस नोमन उलझे हुए सूत को। सूत पहले क्या होता था, हाथ से चरखे पर काता जाता था, सूत धागा बनाया जाता था, उस धागे को फिर ऐसे 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 करा करते बांध उसको, फिर लंबा सा, इतना लंबा, इतना मोटा धागों का बंडल सा बना देते थे, और वो कई बार उलझ जाता था। उलझ जाने के बाद वो धागे आपस में इतने फंस जाते थे, वो सुलझ के नहीं दिया करते थे। 1 किलो सूत सारा दिन में नहीं सुलझ जाए, क्योंकि खेचाता नहीं करे तो टूट जाए उसका, व्यर्थ हो जाए, तो उसको बहुत प्यार से सुलझाना पड़ता था। और जब नोमन एक शेर 1 किलो ही सारा चर्म दर्द कर दिया, जब नोमन यानी 360 किलो उलझ रहा हो तो कैसे सुलझ जाए। तो ये भक्ति रूपी ज्ञान को इन अज्ञानी ऋषियों ने, संतों ने इतनी गलत साधना बता दी, इतने उलझेड़े कर दिए, इतना उलझा दिया कि जैसे नोमन सूत उलझा रखा हो। और ये ऋषि भी जख मार के चले गए, वो भी ना समझ सके सच्चाई को, वेदों को नहीं समझा उन्होंने। इसके लिए परमेश्वर कहते हैं, कबीर परमेश्वर जी की वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी क्या बताते हैं कि नोमन सूत उलझिया ऋषि रहे जख मार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझे ना दूजी बार। तो ये ऐसा सुलझा दिया जाएगा इस दास के द्वारा, परमेश्वर कबीर जी और गुरु जी की कृपा से उनके द्वारा दी गई सद्बुद्धि इस दास को प्राप्त है। वो तत्व ज्ञान दास को दे दिया मालिक ने, इसकी रोशनी में आप भी अच्छी तरह समझ जाओगे। इतने आसान तरीके से बताया जाएगा, बालक से लेकर बूढ़े तक आसानी से समझ जाएंगे। ज्ञान को समझना है, लैंग्वेज कोई हो, लैंग्वेज वही अच्छी होती है जिसको हम समझ सकें। इस संस्कृत की गछामी गछामी न के फूक है, तो इतना ना समझ माई मारे। और ईब हम इसको पढ़कर सिंपल लैंग्वेज में, अपनी लोकल लैंग्वेज में बता देंगे आपके, तो भाषा का उद्देश्य अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाना होता है। अब वो विचार क्या है वो अपने आप समझ में आ जाएंगे। अब प्रसंग यहां आया था, माला गाल हुए हैं मुक्ता सटदल उवा बाई बकदा। अब उवा बाई बकते हैं सटदल, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश तक भी उवा बाई बकते हैं। ऊट पटांग ज्ञान है इनका, यथार्थ ज्ञान है इनके पास। और ये जो इनके साधक हैं, गिरी हैं, पुरी हैं, नागा हैं, वैष्णो हैं, जो भी सन्यासी हैं, ये सारे विष्णु जी के उपासक हैं। और विष्णु जी कोई ज्ञान नहीं था, तो सट दर्शन, ये सट दल, ये सट दर्शनी, तो ये वाह भाई आप बकेंगे जब ब्रह्मा विष्णु महेश के ही ज्ञान का आपको पता लग जाएगा, तो इन गिरिपुरियों का तो आपको पता लग जाएगा ये ज्ञान क्या ज्ञान जानते हैं। इसके लिए आपको वो सदग्रंथ रूबरू कराए जाएंगे जिनको आप सत्य मानते थे, आप नहीं समझ सके। आप तो क्या ये ब्रह्मा विष्णु महेश और पुराणों के पढ़ने वाले ये पंडित महर्षि कहलाने वाले, वो नहीं इनको समझ सके। आज तक हमें गलत ज्ञान देते रहे।
अब देखिएगा ये श्रीमद् देवी भागवत ये बहुत कंसेप्ट क्लियर करेगी। ये श्रीमद् भागवत अब देखो यार, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और इसके अनुवादकर्ता कौन है? श्रीमद् देवी भागवत, प्रकाशक हैं अनुमान प्रसाद पोदार, चिमन लाल गोस्वामी, ये संपादक हैं। और ये कहाँ से मुद्रित है ये देखना। प्रकाशक में मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान, ये इनके फोक्स फैक्स और फोन नंबर। इसके 28 यानी 28 पृष्ठ से हम सुनेंगे पढ़ेंगे। ये है पहला स्कंद, ये पहला स्कंद संक्षिप्त देवी भागवत 28 पृष्ठ पर यहाँ। अब ये व्यास जी हैं, ये नारद जी हैं। व्यास जी इज द राइटर ऑफ पुराण, वेद, वेदाज एंड गीता जी। और ये व्यास जी नारद जी तो पूछा है ज्ञान। नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक ही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था। देवादिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं, लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं, दिव्य कौष्ठमणि उनकी शोभा बढ़ाती है, वे शंख चक्र गदा पद्म लिए रहते हैं, पीताम्बर धारण करते हैं, चार भुजाएं हैं, वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह चमकता रहता है, वे त्रातर जगत के आश्रयदाता हैं। विष्णु जी के बारे में नारद जी बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने बताई थी ये बात है। जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं ब्रह्मा जी, विष्णु जी को सर्वेश्वर और वे चराचर जगत के आश्रयदाता हैं, वो सभी जगत गुरु हैं। ये हैं जगत गुरु, अभी जगत गुरु का ज्ञान आपको दिखाएंगे। फिर विष्णु जी को जगत गुरु का है, एवं देवताओं के भी देवता हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी, यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभो आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी और बहुत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। ब्रह्मा भी नींद में बोले, भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता की आराधना में ध्यान मगन है? मुझे असीम आश्चर्य तो ये हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। ब्रह्मा जी के विनित वचन सुनकर भगवान श्री हरि उनसे कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूँ। देवता, दानव और मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूँ और संकर संहार किया करते हैं, किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है, इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है। सुवर्त प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूं, सुनो। यह निश्चित बात है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं इस शेष नाग की सैया पर सोता और सृष्टि करने का अवसर आते ही जाग जाता हूँ। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ, उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानों के साथ युद्ध करता हूँ,
अखिल जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। और यह तोड़ पाड़ दिया। अब ये देखना जगत प्रभु जगत गुरु के ज्ञान, मुझे सब प्रकार से शक्ति के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का यानी दुर्गा का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ। ब्रह्मा जी मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं, कोई भगवान नहीं। विष्णु और शंकर जी के जो उपासक हैं यही षट दर्शनी षट दल कहलाते हैं। जैसे आपने अभी परमात्मा की वाणी में सच्चिदानंद की वाणी में ब्रह्म की वाणी में पढ़ा के माला घाल हुए हैं मुक्ता और षट दल उवा बाई बकदा। अब इनके भगवान ने उवा बाई बक्कन लाग रहे तो ये के बक्केंगे, इनका ज्ञान कहाँ से सेट ठीक हो जाएगा। विष्णु जी का यहाँ निष्कर्ष विष्णु जी ने निकाल दिया कि मैं तप करता रहता हूँ, जबकि तप के बारे में ना वेद में लिखा ना गीता जी प्रमाण है। नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागवे। ये तप करने से सिद्धियां आती हैं और उन सिद्धियों का प्रयोग ये करते थे शत्रुओं को हराने के लिए। जैसे पुराणों में लिखा है कि एक बार देवता राक्षसों से हार गए, फिर समुद्र के किनारे गए, वहाँ घोर तप करा, फिर भगवान को याद करा, फिर भगवान ने उनको कहा तुम ऐसे कर लो, फिर वह दोबारा लड़ने आए, फिर वह सफल हुए। यानी इससे काम लगे रहे, वहाँ बैटरी चार्ज करी और लड़ाई झगड़ा कर सीधियाँ ठोक ठाक के वो डिस्चार्ज हो गए और फिर 84 लाख योनियों में पशु प्राणी बनते फिरे। तो अब इसमें क्या बताया है कि विष्णु जी कह रहे हैं कि मैं दुर्गा से ऊपर किसी भगवान के बारे में नहीं जानता। विष्णु जी का फाइनल गॉड दुर्गा देवी है। अब दुर्गा कहती है सातवें स्कंद में, ये भी रूबरू कराते हैं आपके, दुर्गा सातवें स्कंद पर इसी दुर्गा पुराण के देवी पुराण के 562 पृष्ठ पे हिमालय को ज्ञान देती हुई दुर्गा क्या कह रही है कि उस ब्रह्म की पूजा करो, उसका ओम मंत्र है और सब बातें छोड़ दो। अब थोड़ा संक्षिप्त में बताऊंगा, आज कुछ और एक्स्ट्रा बताना चाहेंगे आप। ये देखिएगा, ये सातवां स्कंद है और संक्षिप्त देवी भागवत 562 पृष्ठ पर यहाँ दुर्गा देवी के द्वारा हिमालय राजा, हिमालय एक राजा था, पर्वत नहीं, ये पहाड़ नहीं, हिमालय को ज्ञानो उपदेश और ब्रह्म स्वरूप का वर्णन श्री देवी जी कहने लगी पर्वत राज, यहां देखो उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है। यहां से शुरू है ब्रह्म के बारे में, जो प्रकाश स्वरूप है सबके अत्यंत समीप में स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं, ये तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वही यह अक्षर ब्रह्म है। अब देखो दुर्गा का ज्ञान, यहाँ अक्षर ब्रह्म कह रही है, वहाँ ब्रह्म के बारे में बताना चाहती है। ये वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है और वह यह परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम भेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भावानुगत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य मानकर बेधन करो। अब देखो अक्षर रूप ब्रह्म बोल रही है, ये अक्षर ब्रह्म को कहती है, पूर्ण परमात्मा की तरफ संकेत कर रही है और उपासना का साधन के बता रही है। देखो पर्वण यानी ओम धनुष है,
जीवात्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। यहाँ की ना यहाँ कहते ओम का जाप करे, जीवात्मा भजन करे और ब्रह्म को उद्देश्य मान के। ओम मंत्र ब्रह्म का है, यहाँ अक्षर रूप ब्रह्म, यहाँ अक्षर ब्रह्म, यही वह अक्षर ब्रह्म है। यहाँ कहती अक्षर ब्रह्म के बारे में है, अक्षर ब्रह्म का अर्थ होता अविनाशी परमात्मा इनकी दृष्टि से, लेकिन वास्तव में यह दास बताएगा अक्षर ब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म में क्या भिन्नता है। परवण ओम तो धनुष है, जीवात्मा बाण है, यानी जीवात्मा ओम के नाम के जाप से और ब्रह्म उद्देश्य मानकर जाप करे, भक्ति करे। यहां देखो, उस एक मात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी बातों को छोड़ दे, अपनी साधना को भी दुर्गा मना कर रही है और यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार हो अमृत रूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यही सुलभ साधन है। इस आत्मा का यानी उस भगवान का, परमात्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो, हो गया क्लियर। इस अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से पार जो ब्रह्म है, ये ब्रह्म पाएगी, ब्रह्म के विषय में बता रही अब, उसके पास जाओगे तुम्हारा कल्याण हो। और वो कहाँ रहता है, ये देखो 563 पृष्ठ पे, 562 आपने पढ़ लिया, 63 पर ही चल रहे हैं हम अभी, 62 इधर पढ़ा था, यहाँ से शुरू हुआ था, ये 62 था और अब हम 63 पर आ गए हैं, 63 पढ़ रहे हैं। वह यह सबका आत्मा यानी सबका परमात्मा समझो, ब्रह्म, ब्रह्म के विषय में बता रही है। और ब्रह्म कहाँ रहता है, ब्रह्म लोक रूप जीवाकाश में स्थित है, एक देशीय है और वो ब्रह्म लोक में रहता है। अपुण्य आत्मा ब्रह्मा विष्णु महेश जी का ज्ञान आपके समक्ष हुआ और देवी ने क्या बताया कि तुम ये देखो, यहां बिजली गिरी रही, तत्व ज्ञान के अभाव से, तत्व ज्ञान के अभाव से ये सभी ऋषि महर्षियों ने वेदों को पढ़ा सतगुरु ना मिलने से, और उन्होंने आप पर निष्कर्ष निकाल लिया कि एक ही परमात्मा है जो पूर्ण ब्रह्म है, परम अक्षर ब्रह्म है, अविनाशी प्रभु है, उसी की पूजा करने से जीव का मोक्ष होगा। वेदों में महिमा तो पूर्ण परमात्मा की है, लेकिन वे ऑफ वर्शिप पूजा की विधि केवल ब्रह्म तक की है। ओम नाम है, 5 यज्ञ है, तो इसलिए कंफ्यूजन में रहे इन्होंने साधना ओम मंत्र की साधना पूर्ण परमात्मा की जान कर शुरू कर दी। इसलिए उलट पुलट ज्ञान बताते रहे, कभी इसको कभी अक्षर ब्रह्म कहे हैं, कभी कहीं इसे ब्रह्म बोलते हैं, कभी इस प्रकार यह बात बिगड़ी रही। अब गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता जी का ज्ञान, ये ब्रह्म ये काल श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रेतवत प्रवेश करके बोल रहा है। ये कहता है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण ये प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है ओनली, उच्चारण करके सिमरन करते हुए अंतिम समय तक, मृत्यु के प्राप्त होते समय तक जो इसकी साधना करता हुआ शरीर छोड़ जाता है, वह मेरे से यानी ओम के जाप से मिलने वाले लाभ को, उससे होने वाली गति को प्राप्त होता है। ब्रह्म का उपास्य कहाँ जाता है, ब्रह्म लोक में जाता है, जैसा दुर्गा ने बताया कि वो ब्रह्म लोक, वह ब्रह्म ब्रह्म लोक में रहता है, तो उसका साधक भी ब्रह्म लोक में ही जाएगा। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा है कि ब्रह्म लोक पर्यंत ये सभी प्राणी पुनरावर्ति में है, अर्थात वहां गए हुए प्राणी भी पुनः अक्षीण होने के उपरांत, भक्ति अक्षीण होने के उपरांत 84 लाख योनियों में वापस पृथ्वी पर ही भटकेगी, वापस आएगी, पुनरावर्ति का ये अर्थ होता है।
गीता जी ज्ञान दाता ये ब्रह्म कहता है मेरा तो एक ओम मंत्र है, मैं ब्रह्म हूं। और गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, अध्याय 2 के 12 में गीता ज्ञान दाता कहता अर्जुन तेरे मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं, मेरे जन्म अलौकिक हैं, मेरे कर्म और जन्म अलौकिक हैं। इससे सिद्ध हुआ कि गीता ज्ञान दाता ब्रह्म भी नाशवान है, अविनाशी नहीं है, अक्सर ब्रह्म नहीं है, दुर्गा गलत बोल रही है। हाँ, ब्रह्म का जाप ओम है, ये उसने ठीक बोला है। अब गीता ज्ञान दाता कहता है कि अर्जुन मेरी साधना करने करेगा, तेरे भी जन्म मृत्यु सदा होते रहेंगे, ब्रह्म लोक चला जाएगा तो भी वापस आएगा। गीता जी अध्याय नंबर 15 के 1 से लेकर 4 तक, अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 17 में बताया है कि अर्जुन अविनाशी तो उसको जान जिसको मारने में कोई सक्षम नहीं और जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है। फिर 15वें अध्याय के 1 से 4 में स्पष्ट किया है कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है और जिस वृक्ष की जड़ तो पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म है और तीनों देवा शाखा हैं। इस पूरे अंगों को, इस वृक्ष रूपी संसार के विभागों को जो विस्तार से बताता है वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, वो तत्वदर्शी संत है, जिसके विषय में 4वें अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि तत्वदर्शी संत को खोज वो यथार्थ ज्ञान देगा। फिर बताया कि जब तत्वदर्शी संत मिल जाए उसके पश्चात गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 1 से 4 तक का आपको वर्णन बता रहे हैं संक्षिप्त सा, कि उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर कभी लौटकर संसार में नहीं आता, अर्थात उसका पूर्ण मोक्ष होता है। और जिस परमेश्वर से संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है। इसलिए गीता ज्ञान दाता अध्याय नंबर 18 के श्लोक 62 में कहता है कि अर्जुन तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और सनातन परम धाम यानी शाश्वतम स्थानम को प्राप्त होगा, फिर तेरा कभी जन्म मृत्यु नहीं होगा, तुझे कोई कष्ट नहीं होगा। अब गीता के अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में बताया कि उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना का 3 मंत्र का जाप है, ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। ओम तत्सत, उस परम अक्षर ब्रह्म का, ब्रह्मण माने सचिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म, उसको पाने का केवल ये 3 मंत्र का जाप है पूर्ण मोक्ष प्राप्ति का। ब्रह्म का तो जाप ओम सीधा ही लिखा है, तत् और सत ये सांकेतिक है, तत् ये परब्रह्म का यानी अक्षर पुरुष का और सत मंत्र ये सांकेतिक है, दोनों तत् और सत ये दास बताएगा ओरिजिनल इनके मंत्र क्या बनते हैं। तो सत जो है ये परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र है। इन तीनों मंत्रों के जाप की विधि भी भिन्न भिन्न है, 3 प्रकार से है, तो इससे वो परमात्मा की प्राप्ति होगी। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि हे प्रभु, आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म के बारे में जानकारी दी है कि उसको जानने के पश्चात, उस ब्रह्म को जानने के पश्चात यानी तत्ब्रह्म को जानने के पश्चात और सारे आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित और पूरे सब कर्मों से परिचित होने के उपरांत साधक केवल जरा और मरण, बुढ़ापे और मृत्यु के दुखों से छूटने का ही प्रयत्न करता है, अर्थात वो फिर पूर्ण मोक्ष ही चाहता है, यहाँ की कोई सुख सुविधा पर उसकी रुचि नहीं बनती। तो 8वें अध्याय के 1 श्लोक में पूछा, वो किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म है कौन, वो क्या है, कौन है वो भगवान। गीता ज्ञानदाता 8वें अध्याय के 3 श्लोक में कहता है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के मंत्र 5 से लेकर 10 तक, इन 2, 5 और 8, 7 में तो अपने बारे में बताता है कि मेरी साधना करेगा तो मुझे प्राप्त होगा। अपना मंत्र 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता जी में उसने बता दिया ओम है मेरा मंत्र।
इसलिए अर्जुन तू युद्ध भी कर और मेरा सिमरन भी कर, यानी काम करते करते साधना करनी है तो मुझे प्राप्त होगा। यही वे ऑफ वर्शिप यही है, लेकिन मंत्र में अंतर है उस परमात्मा का भी। आठवें अध्याय के 8, 9, 10 तीन मंत्रों में स्पष्ट किया है कि उस परम अक्षर ब्रह्म का, जिसके बारे में मैंने आपको 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि उसकी शरण में जा, 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में जिसमें बताया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, उस परम अक्षर ब्रह्म यानी सचिदानंद घन ब्रह्म की जो साधना करता है वो भक्ति युक्त प्राणी उस परमेश्वर के पास चला जाता है। जो मेरी साधना करता है मेरे पास आता है, उसकी साधना करता है उसके पास चला जाता है। तो पुण्यात्मा ये दास ये उस परमात्मा के सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी के एक सेंटेंस को क्लियर, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए ये ढेर सारे उदाहरण देने पड़ेंगे। इसके बिना ये नौमन सूत सुलझ नहीं सकता। अब इतना आसानी से सुलझ जाएगा फिर कभी नहीं उलझेगा, इस कलयुग में तो उलझेगा नहीं। भक्ति करना चाहोगे उनके लिए। अब आपने देख लिया विष्णु ब्रह्मा, ब्रह्मा जी का ज्ञान, विष्णु जी ने ब्रह्मा, शंकर जी ने ब्रह्मा से ज्ञान प्राप्त कर रखा है, तो ब्रह्मा विष्णु महेश का ज्ञान आपने देख लिया, दुर्गा का ज्ञान देख लिया, वो ब्रह्म को फाइनल बताती है, विष्णु जी दुर्गा को फाइनल बताता है और दुर्गा जी ओ मंत्र को फाइनल बताती है, और ब्रह्म कहता है उस परम अक्षर ब्रह्म की पूजा करो, परम अक्षर ब्रह्म की। तो सतयुग के ऋषियों के बारे में, ब्राह्मणों के बारे में आपको दिखाते हैं 414 पृष्ठ पे, ये देखिएगा छठा, वही देवी भागवत छठा स्कंद, संसी देवी भागवत 414 पृष्ठ पे। जन्मे जय ने पूछा, महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है, इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, राजन यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे, अरुण के द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा यानी दुर्गा देवी की आराधना होती थी, भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। यहां देखिए, धर्म की यही सती थी, त्रेता में रही परंतु कुछ ह्रास हो गया। सतयुग की जो सतीति थी वह द्वापर में विशेष रूप से कम हो गई। राजन उन प्राचीन युगों में जो राक्षस समझे जाते थे वे कली में ब्राह्मण माने जाते हैं। इस कलयुग में जो सतयुग त्रेता द्वापर में राक्षस थे उस उन जैसे थे आज के ब्राह्मण हैं कलयुग के, क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं, दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्म से अलग रहना कलयुगी ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण बन गया। अब आपको ये वैद्य का अंग आसानी से समझ में आएगा। अब देख लिया कि सतयुग के ब्राह्मण यानी ऋषि को से ब्राह्मण साधक को संत वेद के पूर्ण विद्वान होते थे और वह दुर्गा की पूजा करते थे। ये फूटे भाग मारे इसे विद्वान मिले हमने, और वेदों में कहीं दुर्गा की पूजा का प्रावधान नहीं है। दुर्गा खुद कह रही है कि उसकी पूजा करो, ब्रह्म की ब्रह्म कह रहा है परम अक्षर ब्रह्म की पूजा करो, उसके लिए तत्वदर्शन संतों की खोज करो जो सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी को जानते हैं, समझा सकते हैं। वो आद दास आपके समक्ष परमात्मा ने तैयार कर दिया या सद्बुद्धि दे दी, और सौभाग्य पुण्यात्मा आपका जो जितने देर से आओगे ना टक्कर मार कर रोया करेंगे। ऐसी पुण्यात्माएं उन नकली संतों पंथों के फंसी पड़ी हैं जो कुर्बान है उनके लिए, एक शब्द भी सुनना नहीं चाहती गुरु के बारे में, क्योंकि उन नकलियों के पास ज्ञान तो है ही नहीं, लेकिन गुरु मर्यादा को बार बार सुना सुना करके गुरु जी के बारे में सुनना नहीं चाहिए, गुरु जी के बारे में कोई शब्द नहीं सुनना चाहिए, निंदा नहीं सुननी चाहिए, पाप लगता है, तो वो डर जाते हैं कहीं हमारे गुरु जी के बारे में हम निंदा सुन लें और हमारा नाम खंड हो जावे। लेकिन वो तो नकली हैं, उन नकलियाँ की सुनो चाहे ना सुनो तो आज ना तो काल बर्बाद हो जाओगे। निंदा नहीं होती, निंदा वो होती है जो चोर लुटेरा पैसे ठग ठगने वाला गुंडा बदमाश बतावे,
और ज्ञान के आधार से कोई किसी को गलत बताता है तो उसको सोचो समझो सुनो और देखो आंखें, और गलत है तो छोड़ दो उसको। परमात्मा कहते हैं झूठे गुरु को त्यागते हैं पलक न लावे देर, एक सेकंड में तो त्याग देना चाहिए, उसे कोई पाप नहीं लगता। ये भ्रम पैदा कर रखा है, झूठे गुरु ने जितना जल्दी छोड़ा उतना ही पुण्य होगा। अब देखिएगा, सट दर्शन सट भेख कहावें, बहुविध दोनों धार मचावें, वेद पुराण पढ़ते हैं गीता, तीर्थ व्रत करें तर बीता, वेद पुराण पढ़ते हैं गीता, यो भी वैदा है वह जैसे भेद अलैदा, यो भी वैदा। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222 880541।